लेकिन दोस्तों उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और यार एक बड़ी टाइम के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। जिन लोगों के पास प्रिंटर्स हैं उनको जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जैसे यार मेरे पास ये प्रिंटर था, इसकी मैंने जो है वो क्या कहते हैं कैनन का ही मैंने प्रिंटर खरीदा, G2010 यानी कि 2010 समझ लें आप, ठीक हो गया। इसको मैंने ख़रीदा यार, इसमें मैं इसको चलाता रहा हूँ तो इसमें मुझे प्रॉब्लम एक आ गई। जैसे मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ कि जी मैं इसके अंदर पेपर लगा रहा हूँ, नीचे वाइट पेपर रखा ताकि हमारा पेज ज़ाया ना हो। अब इसको मैं खुला रहने देता हूँ, मैं ब्लैक प्रिंट का दबा बटन दबा रहा हूँ तो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये स्कैन तो कर रहा है लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर ये आप चेक करेंगे ये लेटर तक आ रहा है, ठीक हो गया। ये लेटर तक आ रहा है, यहाँ तक लेटर तक आया, A4 तक नहीं आ सका। ये मसला इसके अंदर आ रहा है कि ये A4 से लेटर में हो गया है। अब इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कि ये मैं आपको दिखा रहा था कि मेरा प्रिंटर कौन सा है, LCD वाला, LCD डिस्प्ले वाला, ठीक है जी। तो अब इसको हम चेंज किस तरह कर सकते हैं, अब हम गलती से हो भी जाता है यार समटाइम कि आप कोई सेटिंग और कर रहे थे तो आपसे जो है ना वो ये हो गया। मेरा भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मुझे पता चला मैंने कहा चले मैं भी जो है ना वो शेयर कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन की। आपको पता है सेटिंग का बटन होता है, सेटिंग का बटन दबाना है, आपने प्लस वाला बटन दबा के रखना है। जब इसके ऊपर 17 आ जाए, ये देखिएगा जी 17 आ गया, 15, 16 और ये 17 आ गया। 17 पे आके जब आप ब्लैक वाला बटन दबा देंगे तो ये A4 में हो जाएगा और जब आप ये कलर वाला बटन दबा देंगे तो ये सिंपली उसमें हो जाएगा क्या कहते हैं लेटर साइज में। अब मुझे लेटर से जो है वो A4 में करना है तो मैं इसका ब्लैक बटन दबा दूंगा, ठीक है जी। ये वर्किंग शो की इसने, इसके बाद अब ये 01 पे आ गया, इसका मतलब है ये रेडी टू वर्क हो गया। अब इसको मैं दोबारा नीचे कर रहा हूँ, दोबारा नीचे करने के बाद पेपर लगा दिया मैंने, दोबारा से खोल दिया इसे, ठीक है, और प्रिंट का बटन दबा दिया। अब वो देखिएगा लाइन आ रही है, ये लाइन अब फुल जो है वो A4 तक हो के आएगी, ठीक हो गया जी। अब इसको हम वापस क्या करते हैं कि कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, A4 और उसके अंदर लेटर के अंदर, ठीक है जी। इसको वापस 17 पे ले आएँ, अरे यार 17 से ज़्यादा हो गया। अब इसको स्टॉप दबा दें, इसको इस पर ले आएँ पावर सेटिंग पे, सेटिंग के बाद इस पर 17 ले आएँ आप, 15, 16 और ये 17। अब हम क्या A4 से लेटर की तरफ आ रहे हैं, अब हम ये कलर वाला बटन दबा देंगे, फिर सेटिंग शो होने लग गई, सेटिंग पे आकर कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर मैं दोबारा से पेपर डालूंगा तो ये फिर दोबारा उस कई लोगों के लिए ये प्रॉब्लम बन जाता है, यार मेरा प्रिंटर ख़राब हो गया, ऑफ प्रिंट करने लग गया, क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें। तो यार ये मेरा कैमरा ब्लर हो जा रहा है बार बार। अब इसके ऊपर फिर मैंने कलर वाला बटन दबाया, अब ये देखिएगा कि यहाँ पर ये नंबर लिखे हुए हैं, ये लेटर तक आएगी इसकी लकीर और रुक जाएगी, ये देखिए ये लेटर तक आई और यहीं से पीछे चली गई। अब इसका आसान मेथड आपको बता दिया मैंने, यहाँ से सेटिंग पे गए, प्लस पे 17 इसको लिख लिया, 17 आ जाए यहाँ पे, 17 बल्कि करना, 17 पे आके ब्लैक दबा दिया तो A4 हो गया, कलर दबा दिया तो कौन सा हो गया चला दो लेटर साइज, ब्लैक दबा दिया A4 हो गया, कलर दबा दिया तो लेटर हो गया। अब इसको हमने दोबारा A4 में कन्वर्ट कर लिया, आपको प्रूफ भी मिल जाएगा कि ये जो है अब इसमें ब्लैक वाले पे दबा दिया। अब ये देखिएगा कि ये आगे कहाँ से ब्लैक हुआ, अब कहाँ से ब्लैक होता है चेक कीजिए, ये देखिए आगे लेटर से हो रहा था, अब A4 तक आके ब्लैक चला गया, ठीक हो गया जी। प्रिंटर है कैनन का टेग्मा, प्रिंटर है कैनन का, कैनन G2010 जो है वो प्रिंटर का नाम है। ब्लर पता नहीं क्यों जा रहा है यार बार बार, क्या चक्कर है इसका, ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।